पैरों की कुछ एक्सरसाइज कर लें। पैर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, पैरों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो लगभग हमारे सेशन में पैरों की एक्सरसाइज करवाते हैं। तो आइए करते हैं पैरों की कुछ एक्सरसाइज। दंडासन में बैठिए, दोनों हाथ साइड में, दृष्टि सम्मुख, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, डीप ब्रीदिंग। अब पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। यस, दोनों हाथ पीछे रख दीजिए, जो एकदम सीधे नहीं बैठ सकते हैं, बैठने में तकलीफ हो इस तरह हाथ को पीछे रख सकते हैं। श्वास भरते हुए पैर के पंजे को अंदर लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, सम। अब दोनों पैरों को एक साथ गोलाकार घुमाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, उल्टे दिशा में। एक, दो, तीन, चार, पांच, सम। पैरों में फासला, दोनों पैरों को सेपरेटली गोलाकार घुमाएं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, उल्टे दिशा में। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, स्टॉप। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़िए, अंदर की ओर दबाइए, जितना प्रेशर दे सकते दीजिए। पैरों पर जो खींचाव आ रहा है उसका अनुभव करिए। पैरों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, पूरे पैरों, दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो। दो, ढीला छोड़, एक, श्वास भरते हुए ऊपर, दो, श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़िए, अंदर की ओर अच्छे से प्रेशर दीजिए, अंदर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। इस तरह पैरों की छोटे छोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, घुटनों के नीचे स्थापित, दोनों पैरों को एड़ी से उठाएं, हलन चलन बंद, पंजों को ऊपर नीचे करें। सम, राइट पैर फोल्ड करें और बीच वाली ये दोनों उंगलियों को पकड़ें, अच्छे से पकड़ें, और लेफ्ट हैंड से एड़ी को सपोर्ट करें और ऊपर उठाएं। कितने तो ऐसे सपोर्ट दे सकते हैं, धीरे धीरे नीचे, ये क्रिया दूसरे पैर से, पहले आप सपोर्ट दे के ऊपर जाइए, फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, यस, और फिर ऐसा रख सकते, धीरे धीरे नीचे। राइट पैर से और करेंगे एक बार, बीच वाली उंगलियों को पकड़ें, जिससे कि उंगलियों पर प्रेशर आएगा दोनों, तो पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होएगा। पहले सारा दीजिए और फिर से धीरे धीरे नीचे, दूसरे पैर से, यस, थोड़ी देर रुके, फिर ऐसे सपोर्ट देते हो नीचे ला, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पैरों में फासला, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे की ओर, रिलैक्स। रिलैक्स, बैठिए आराम से। आइए अब सिर के लिए कुछ एक्सरसाइज करें। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव करने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, यस, अग्रिम भाग में लगाए। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस और बारह।
हथेलियों में घर्षण करें, करे गर्म, ललाट की पूरी मालिश, 1, 2, 3, 4, 5। अब ललाट और कनपटी की स्नायुओं को तनाव देकर ढीला छोड़ेंगे, यस। अब पूरी ललाट पर सलवटें गिरेगी, यस। इनहेल करते हुए अब डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, सम डाउन। मस्तिष्क के लिए स्पेशल प्रयोग, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए महाप्राण ध्वनि बहुत फायदा करती है। ज्ञान मुद्रा फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, यह भी मस्तिष्क के लिए बेहतरीन मुद्रा है। पूरे मस्तिष्क के स्नायु मंडल को प्रभावित करती है। अनमनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, क्रेपनेस, पागलपन या तक फिट की बीमारी का इलाज इससे होता है। ज्ञान मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करिए, यस। भरे श्वास, इस तरह ज्ञान मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करने से भी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, स्ट्रेस दूर होता है, शांति मिलती है। तो अच्छे प्रयोग है, ये प्रयोग आप नियमित करिए और सिर से रिलेटेड सब तकलीफों को दूर करिए। एक प्रयोग और कर लीजिए, इस तरह आकृति बनाए, सिर पर प्रेशर देते हुए उंगलियों के अगले फोरों से प्रेशर देते हुए पीछे की ओर जाएं। साइड में कान के ऊपर और इसमें रुक रुक कर भी सिर में प्रेशर दे सकते हैं, यस। 10 के राउंड में रुके हैं, प्रेशर दें। कान के ऊपर इस तरह सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रयोग है, नियमित करें। अब पैरों को खोल दीजिए और दोनों पैरों को सामने फैलाइए।